बाय एंड लार्ज ग्रीन इंडस्ट्री है दैट कम्स अंडर ऑरेंज कैटेगरी. सो असी इस तरह बहुत कदम और इस तरह कैपिटल सब्सिडी है 100 करोड़ रुपया हर साल देने का. कल जी ब्रेक जाने तो पहले गल कर रहे थे भारद्वाज जी ने कहा कि कुछ मेगा प्रोजेक्ट सी इस जो सरकार आई इन्हें जो बंद करते फिर पैसे लेके दोबारा शुरू करते और एसोचैम ने भी अपनी रिपोर्ट किया वा कि पुअर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जी ब्लेटेंट करप्शन है जी स्टेट वे करके है. तुम बहुत सीनियर मिनिस्टर जे लोकेशनल एडवांटेज तो पंजाब की है ही है पर करप्शन बारे की कहोगे. देखो गल है कि करप्शन 2G स्कैम तो बाद जिदे च 1,76,00,000 रुपये 76,000 करोड़ की करप्शन हो गई है. मेरा ख्याल है कि वो बाद तो स्टेट नाल ही तो गल ही खत्म हो गई है कि अज ब्लेटेंटली केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार करप्शन नाल खड़ी है. अच्छा एक सर्वे होया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एंड सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज इन न्यू दिल्ली उन्होंने एक करप्शन के उत्ते रिलीज किया पूरे इंडिया के बारे मैं उत्थे आ रहा पूरे इंडिया बारे इंडिया सारे स्टेट्स के बारे है. उन्होंने 3 कैटेगरी दी है कि मोस्ट करप्ट स्टेट मीडियम करप्ट एंड लीस्ट. सो पंजाब आती है 3री कैटेगरी च उन्होंने सर्वे मुताबिक जी है चौथी दे विच. सो इस नाते कि जिहड़ा इस एक ब्लेटेंटली कह देना कि जी यह करप्ट स्टेट है मैं नहीं कहता कि दिस इज ईवल इनू बुराई नू बिल्कुल दबाना चाहिए है इस दे बारे में अगेंस्ट है. लेकिन यह है कि जे असी कंपैरिजन करिए एक स्टडी जिस तरह इन्होंने एक स्टडी की है उन्होंने स्टडी की है इतने लीस्ट करप्ट है और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है नंबर वन है यह मतलब है इतने काम करना जो आसान है तो इतने करप्शन घट है. मैं पंडवा जी तुम्हें लगता कि कांग्रेस रिजीम के और हुण दे विच कोई फर्क सीगा कोई उदों घट सी करप्शन. बहुत फर्क सी जी बहुत फर्क सी. मैं तुम्हें दसदा कि इन्होंने पॉलिसी इस तरह की बनाई है जिहड़ी कि करप्शन जनरेट करती है. हुण मैं कह रहा सी छोटी सी गल कोई फैक्ट्री लाता है उन्होंने गेट खोलन की परमिशन लेने लई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक नू भी पैसे देने होंगे हैं. मैं कहता इस तरह की पॉलिसी तुसी बनांदे क्यों हो. काली अच्छा, कह रहे हैं ने सिस्टम स्ट्रीमलाइन करता और सिंपलीफाई करता. देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2009 दी इन्होंने बनाई असी पंजाब फैसिलिटेशन एक्ट बनाया सी उदी इन्होंने नकल की है. दूसरी गल इन्हां दी पॉलिसी खुद ही सरकार नहीं मनती. 9 महकमे है जिन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बारे कहना होंदा है वो ये कहंदे है महकमे कि असी नहीं परवाह करते ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की पॉलिसी है वो जाने साड़ी पॉलिसी नहीं है. मतलब कहन दा है कि इन्हां दी अपनी पॉलिसी बाकी होर महकमे जिहड़े है वो मनन नू तैयार नहीं है लोगों नू परेशानी ते चीज़ है. मैं चनी साहब तुहानू मैं शायद नहीं लिआऊंगा इस इशू ते पर मैं सचदेवा जी नू कल जी एक मिनट सचदेवा जी नू एक चीज पुछना चाहुंदा. संधू साहब एक गल मैं कहनी चाहांगा बिल्कुल ठीक है कि इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन एक्ट एक कांग्रेस गवर्नमेंट लैके आई मैं मानदा लेकिन 5 साल रूल नहीं बनाए रूल असी बनाए तो इंप्लीमेंट असी कीता. सचदेवा जी ये दसो कि तुसी दोवां सरकारां नाल डील कीता तुहानू की लगता कि करप्शन हुण ज्यादा या पहलों ज्यादा सी बराई वड्डी उदों देनी पैंदी सी ज्यादा कि हुण. सर निचले लैवल ते उदों वी सी ते हुण वी है निचले लैवल ते चलदी ओह नहीं बंद हो रही नहीं ओह बंद नहीं हो रही इहदे च कोई शक नहीं है. देखो जिस तरह मंत्री जी ने भी कहा इन्होंने सारे साहबान ने कहा हैगा ये एक बड़ी वड्डी ईवल हैगी और इनू असी नथ पानी हैगी मैं कह रहा मैं उस ते आ रहा असी की कीता हैगा कि उस जो फैसिलिटेशन एक्ट सीगा उहदे थले असी एक डीम्ड अप्रूवल की नोटिफिकेशन इशू की है सारे डिपार्टमेंट्स के नाल असी बह के गल की भी तुहानू किहड़ी किहड़ी स्टेज ते किन्ना किन्ना टाइम चाहिए उन्ना उन्ना टाइम उन्होंने दे के एक असी नोटिफिकेशन करती जी. रूल्स दे विच पहली बार होया कि जिहड़ा डिपार्टमेंट जां जिहड़ा अफसर किसी चीज़ के उपर बिना मतलब तो बैठा रहेगा उन्हों अंडर द पनिशमेंट एंड अपील रूल्स उन्हों बंदे नू चार चीज़ें जी पब्लिक परसैप्शन नहीं बने कि कोई फर्क पिया वा कोई उस तो बाद मैं तो उस हुण असी एक सिंगल जिहड़ा विंडो पोर्टल लॉन्च किया है जी उहदे विच की हैगा कि तुसी ऑनलाइन अप्लाई करो जी ऑनलाइन ट्रैक करो ऑनलाइन तुसी इंटरैक्ट करो ऑनलाइन अपना स्टेटस रख जी फिर असी हेल्पलाइन भी नाल 24 घंटे जिहड़ी हैगी है वह शुरू की. मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह मंत्री जी ने कहा है कि असी सारा सिस्टम आउटसोर्स कर दिता पर उहदे विच मैं जिवें कहा ना कि परसैप्शन नहीं बदल रही. पर चन्नी जी यह दसो एक होर चीज़ जिहड़ी एसोचैम रिपोर्ट ने अपने रिपोर्ट दे विच मैनशन की है कि जिहड़ी पुरानी जिहड़ी पुअर पावर सिचुएशन है पंजाब च वह भी जिम्मेवार है कि इत्थे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही. देखो जी इंप्रूव हो रही है अगे नालों डेफिनेटली हो रही है. थोनू पता है कि जिहड़ी पंजाब दे विच आलमोस्ट 10,000 मैगावाट होर नवां जिहड़ी पावर हैगी है वो ऐड हो रही है. कदों हो रही है
काम चल रहा है जी अपना उते तलवंडी साहब चल रहा है मैं एक मिनट काले साहब को जाना चाहूं काले साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल ने भी किया वा कि अगली समर तक फर्क पै जाऊगा और उस तो बाद अच्छा ये गल्ला करी जांदे 30% पीक पीरियड में शॉर्टेज होंदी है उदे बाद अजे तक तुसी देखो इतनी इन्होंने ओपन एक्सेस अप्रोच पॉलिसी कीती उदे विच इफ्स एंड बट्स लाए हुए हैं 100-150 के करीब आदमी इहदा फायदा उठा रहे हैं बिजली दी कीमत इन्होंने रोज वधा दित्ती है मैं कहता इन्हों कि इन्होंने इंडस्ट्री का किया देखो जिहड़ा पावर सैक्टर है जी क्योंकि डिमांड फॉर इलैक्ट्रिसिटी दैट इज एवर ग्रोइंग जी निरंतर वधी रहिंदी है एंड इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डिवेलपमेंट इन दैट स्टेट और सोसाइटी जी जिन्नी जिन्ना विकास हुंदा जाएगा उन्नी उन्नी बिजली दी मंग बढ़ेगी चाहे वह एग्रीकल्चर है इंडस्ट्रियल है रूरल है अर्बन है जी सो उस नाते एक लिहाज नाल सरकार कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जी और ये जिम्मेवारी बनती है कि इस क्षेत्र दे विच क्योंकि इट्स अ रॉ मटीरियल फॉर द इंडस्ट्री आल्सो एंड इटसेल्फ इंडस्ट्रीज मतलब अपना पावर जनरेशन आल्सो इज अ इंडस्ट्री इटसेल्फ आल्सो जी और वो अपने आप च एक उद्योग है सो उस नाते इहदे विच कोई भी सरकार आवे किसी पार्टी की आवे उहदा धर्म है कि तुसी इहदे विच ऐड ऑन करो 5 साल दे विच कांग्रेस रजीम दे विच ਕਵੀ ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਰੋਂਗ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 3-4 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਡ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਐਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਟ ਲੈ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ हर एक पावर प्लांट नू प्रोडक्शन दे विच आंदे तुसी उनको कि आज ला दियो ते कल नू तुसी सरदेवा जी मैं सचदेवा जी नू विच लाना चाहना सचदेवा जी एसोचैम ने अपने रिपोर्ट च किया भी ओपन एक्सेस रिजीम वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए सो दैट इंडस्ट्रीज जिहड़ा वा ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੱਕੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਅਜਰ ਇਹ ਵਾਇਬਲ ਹੋਊ ਵਾਰਾ ਖਾਊਗੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਲਸੋ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ और जेडी जो एसोचैम ने सजेस्ट किया वो ऑलरेडी हो रहा है आई वेलकम पर हुन इस तरह है कि एक इन्होंने किया 1 मेगावाट या उपर वाले नु इन्होंने अलाउ किया होया साडी सजेशन ये है उदे विच भी राइडर्स लगे हुए हैं कि उन्हां दा अपना ट्रांसफॉर्मर ये चीज़ा 2-4 चीज़ा होनी चाहिए है मैं ये कहता कि इन्हें रिव्यू कर लेन जिहड़े राइडर है इन्हां नू घटा देन और जिहड़े छोटे कंज्यूमर है उन्होंने भी इस दे एम्बिटी ले आन उस दे नाल थोड़ा सा उन्होंने भी रिलीफ मिल जाएगा फिर ये पॉलिसी चंगी हो सकती है हुन इस पॉलिसी नाल मैक्सिमम 100-150 इंडस्ट्रियलिस्ट नू इसका फायदा शनि जी एक होर फीलिंग है कि पंजाब दे विच जिहड़े SEZ जिन्हें बनने चाहिए से नहीं बने कोई इस तरह की स्कीम है कि SEZ होर बन सकने थे? देखो जी 19 पहला साढ़े कोल जिहड़ी सी SEZ वास्ते 2006 की पॉलिसी सी जी उस पॉलिसी के थले असी जो कोई भी गल करते किसी भी डिपार्टमेंट ना गल करते तो कोई ना कोई लैसलेशन साढ़े सामने लिया के रख देते भी ये लैसलेशन हैगी जी सरकार की पॉलिसी है इस करके असी आ नहीं कर सकते जी इस सरकार ने की किया है कि SEZ एक्ट नवा लैंदा है और वी आर द 6th स्टेट टू ब्रिंग द SEZ एक्ट एंड दैट एक्ट ओवरराइड्स ऑल प्रीवियस लैसलेशन जी एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बींग द लेटेस्ट
और उहदे विच असी इह भी कर दिता हैगा कि किसी तरह का कोई टैक्स कोई सेस कोई स्टैंप ड्यूटी नथिंग ऑफ द सॉर्ट विल बी देयर आई थिंक वी आर द ओनली स्टेट सो अगले कुछ सालों के विच एससीजेड इत्थे लगणगे होर डेफिनेटली लगणगे क्योंकि साडा जिहड़ा साहब मैं तुहानूं इक वारी क्लोजिंग टाइम होण लगा मैं एक वारी डिस्कशन फिर लिआउणा चाहुंदा एक होर एसोसीएम ने सुजैसट किया कि क्योंकि पंजाब दे विच लोकेशनल डिसएडवांटेज तो है ही है तो पंजाब गुजरात दे नाल रल के कोस्टलाइन के उत्ते कोई ना कोई पोर्ट क्यों नहीं खोलता तो है यह प्रपोजल बीजेपी सरकार ही बिल्कुल ठीक है उहदे च असी प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं एक गल होर कहनी चाहना जी कि अज जिहड़ा है असी आपस दे विच प्रदेशां च कंपीटीशन हो रहा साडा असल कंपीटीशन है इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते जी कि अज असी भारत ने चाइना नाल कंपीट करना जापान नाल कंपीट करना उहदे लई मैं तुहाडे माध्यम राही सुजेशन देना चाहना जी कि केंद्र सरकार एक ब्लू प्रिंट बनावे कि पूरे हिंदुस्तान दे विच कि वट इज़ द नैचुरल पोटेंशियल ऑफ ईच स्टेट राइट उहदे विच फिर उहदे अनुसार जो कोई पैकेज देना उहदे अनुसार दिता जावे हुण तुसीं देखो कि भी हिमाचल प्रदेश है इन्होंने एक जनरल पैकेज देता जिहदे नाल की होया कि पंजाब की इंडस्ट्री या हरियाणा की इंडस्ट्री शिफ्ट हुई उहदी बजाय पंजाब नूं कोई इतराज़ नहीं है जे असी हिमाचल नूं हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी जनरेशन दे विच उहनां नूं पैकेज देन और उत्थे जिहड़ा हैगा हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ी हैगी है जनरेट होवे हिमाचल दिता जाए ठीक है जी फॉरेस्टेशन जी है जो नैचुरल पोटेंशियल है उसका असं सदुपयोग करेंगे वी विल मेक ऑप्टिम यूज ऑफ इट उहदे नाल की होएगा वील अशर एन एरा इन टू म्यूचुअल म्यूचुअल कोऑपरेशन हुण की है कि वी आर टू फेस ए कट थ्रोट कंपीटिशन एट द इंटरनेशनल लेवल वेयर एज वी आर कटिंग ईच अदर्स थ्रोट इस गल नूं जोर देने की लोड़ है कि साडा कंपीटिशन चाइना नाल है और इहदे नाल असी जिहड़ा हैगा कि जनरल पैकेज दी देण दी बजाय अज असी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਿਲੋ ਸਟੇਟ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਹਾਫ ਅ ਮਿੰਟ ਯੈਸ ਐਗਰੋ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ 2010-11 ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਇਟ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੋਪ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਲਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬਣੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ